हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयस्वीस किचन। आज हम शाही पोहा बनाने जा रहे हैं। इसमें जो सामान मैंने यूज़ किया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये मैंने पोहा लिया है जो ना तो ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। 2 कप लिए हैं मैंने ये पोहा और उसको वॉश कर लिया है रनिंग टैप वाटर से, और उसमें 1/2 चम्मच चीनी मिला दी है और 1 चुटकी नमक भी। और ये सूखे मसाले हैं, जैसे जो हमारी नमकदानी में होते ही हैं वो सूखे मसाले हैं। इसमें हम नमक और हल्दी यूज़ करेंगे। और ये थोड़ी सी राई है और जीरा है, 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने। और ये एक प्याज मैंने बड़ा वाला था तो मैंने एक प्याज चॉप करके लिया है। ये कुछ ताज़े वाले करी पत्ते हैं 15-20, जो थोड़े से काजू हैं, थोड़े से पिस्ता हैं, ये 1-1 टेबल स्पून है। और थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने 1 टेबल स्पून के जितनी। और ये एक हरी मिर्च को मैंने चॉप करके लिया है। और ये सूखा नारियल है जो मैंने ग्रेट करके लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश यूज़ कीजिए, आज मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले इसमें राई और ज़ीरा ये डाल देते हैं। राई और ज़ीरा थोड़ा सा स्प्लटर हो जाए, इसके बाद करी लीव्स डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। और राई तड़कने लगे हैं, इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को ज्यादा ब्राउन मत करें। ज़्यादा ब्राउन करने से उससे थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आने लगता है, जो कि हम पोहा में नहीं चाहेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ही हमने सॉटे करना है। थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, दैट्स इनफ। अब हम इसमें डाल देंगे काजू। क्योंकि काजू को भी हल्का सा भूनना ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा नटी फ्लेवर आ जाता है जो अच्छा लगता है। और इन्हीं चीज़ों से तो शाही पोहा बनता है ना, ये काजू है, पिस्ता है और किशमिश है, और फिर हम नारियल भी डाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से शाही पोहा बन जाएगा। हल्का सा भुन जाए जब काजू, तो इसमें पिस्ता डाल देंगे, क्योंकि पिस्ता को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है इसलिए हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फिर हम इसमें किशमिश डाल देंगे। फ्लेम को आप लो ही रखिए। हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा। बस
मिक्स कर दीजिए। सबसे लास्ट में डाल देंगे कोकोनट। हल्का सा पानी का छिट्टा ये 1/4 लेमन है जो मैंने इसमें इसका जूस डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। लीव्स हैं इनको चॉप करके डाल देंगे। ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट। एंड दैट्स इट, पोहा इज रेडी टू सर्व। मैंने इसमें मूंगफली और उबले हुए आलू नहीं डाले हैं। अगर आपकी चॉइस हो तो आलू उबाल के उसके, एक दो आलू काफ़ी होते हैं, अगर छोटे हैं तो दो, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो एक आलू काफ़ी हो जाता है। उसको बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और मूंगफली को रोस्ट करके जब हम प्याज डालते हैं तो उसके बाद डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।